सलमान खान का शो बिग बॉस 18 6 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है और फैंस इसके लिए काफी उत्साहित हैं। लोग जानने के लिए बेताब हैं कि इस शो में कौन कौन भाग लेगा। कंटेस्टेंट्स के नामों की घोषणा जल्द ही हो जाएगी, लेकिन खबरें हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन का रोल निभाने वाली दिशा वकानी भी इस सीजन में शामिल हो सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने दिशा को शो का हिस्सा बनने के लिए 65 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है, जो बिग बॉस के इतिहास में किसी भी सेलिब्रिटी को दी गई सबसे बड़ी रकम है। हालांकि दिशा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह टेलीविजन में वापस लौटने के मूड में नहीं है। दिशा पहले भी कई रियलिटी शो के प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुकी है, यानी वह पहले भी कई रियलिटी शो के प्रस्तावों को ठुकरा चुकी है। दिशा वकानी ने 2017 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा को छोड़ दिया था, जब वह मैटरनिटी लीव पर थी। उनके जाने के बाद से उनकी वापसी की अटकलें लगाई जाती हैं और आज भी लगाई जा रही हैं, लेकिन वह अब तक शो में नहीं आई है। दिशा ने 9 साल तक दया बहन का किरदार निभाया था। वह सबके दिलों में राज करती हैं और अपने गरबा को लेकर तो कुछ ज्यादा ही मशहूर है। बिग बॉस 18 में शामिल होने वाले कुछ अन्य नामों में निया शर्मा, खतरों के खिलाड़ी 14 की विजेता करणवीर मेहरा, मुस्कान बामने, शिल्पा शिरोडकर, नायर बैनर्जी, चाहत पांडे, शहजादा धमी और शोएब इब्राहिम शामिल है। शो का प्रीमियर कलर्स टीवी और जियो सिनेमा पर रात 9 बजे होगा और इस शो का प्रीमियर 6 अक्टूबर को होने वाला है। आपको बता दें कि बिग बॉस 17 के विजेता मुनावर फारूकी रहे और इस बार तो कंटेस्टेंट्स कुछ ज्यादा ही उत्साहित लग रहे हैं। इस बार तो दर्शक बिग बॉस 18 को लेकर अलग ही उत्साह में है, क्योंकि इस बार जितने भी कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 18 में आने वाले हैं सभी विजेता की कैटेगरी में ही आते हैं और उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी है। अब ये देखना बहुत ही रोचक होगा कि कौन सा विजेता इस बार जीतेगा, कौन होगा इस बार बिग बॉस 18 का विनर।